ये कुछ हजारों लाखों दिए जलाने की घटना नहीं, बल्कि देश के इस महत्वपूर्ण भाग में एक नई रोशनी, नए उजाले की शुरुआत। भाई और बहनों, आज का दिन उन हजारों शहीदों को याद करने का, जिन्होंने देश के लिए अपने कर्तव्य पथ पर जीवन बलिदान। आज का दिन बोड़ोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी, रूपनाथ ब्रह्मा जी जैसे यहाँ के सक्षम नेतृत्वों के योगदान को याद करने का है, उनको नमन कर करने का। आज का दिन इस समझौते के लिए बहुत सकारात्मक भूमिका निभाने वाले ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, उससे जुड़े तमाम युवा साथियों, बीटीसी के चीफ के हगरामा माहिरारे जी और असम सरकार की प्रतिबद्धता, आप सब न सिर्फ मेरी तरफ से अभिनंदन के अधिकारी हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की तरफ से अभिनंदन के अधिकारी। आज 130 करोड़ हिंदुस्तानी आपको बधाई दे रहे हैं, आपका अभिनंदन कर रहे हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं। आज का दिन आप सभी बोडो साथियों का इस पूरे क्षेत्र, हर समाज और यहां के गुरु बौद्धों, कला साहित्यकारों के प्रयासों को सेलिब्रेट करने का यह अवसर है, गौरवगान करने का अवसर है। आप सभी के सहयोग से ही स्थायी शांति, परमानेंट पीस का ये रास्ता निकल पाता है। आज का दिन असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए 21वीं सदी में एक नई शुरुआत, एक नए सवेरे का, एक नई प्रेरणा को वेलकम करने का अवसर है। आज का दिन संकल्प लेने का है कि विकास और विश्वास की मुख्य धारा को मजबूत करना है, अब हिंसा के अंधकार को इस धरती पर लौटने नहीं देना है। अब इस धरती पर किसी भी मां के बेटे का, किसी भी मां की बेटी का, किसी भी बहन के भाई का, किसी भी भाई की बहन का खून नहीं गिरेगा। आज मुझे वो माताएं भी आशीर्वाद दे रही हैं, वो बहने भी मुझे आशीर्वाद दे रही हैं, जिनका बेटा जंगलों में कंधे पर बंदूक उठा के भटकता रहा, कभी मौत के साय में जीता था, आज वो अपनी मां की गोद में अपना सर रख करके जैन की गेंद सो रहा है। मुझे उस मां के आशीर्वाद, उस बहन के आशीर्वाद, कल्पना कीजिए इतने दशकों तक
दिन रात गोलियां चलती रही। आज उस जिंदगी से मुक्ति की रास्ता खुल गया। मैं न्यू इंडिया के नए संकल्प में आप सभी का शांति प्रिय समता शांति और विकास प्रिय नॉर्थ ईस्ट का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, नॉर्थ ईस्ट में शांति और विकास का नया अध्याय जुड़ना बहुत ऐतिहासिक ऐसे समय में और एक बहुत ही सुखद संयोग है कि जब देश महात्मा गांधी जी का 150वां जयंती वर्ष मना रहा हो, सब इस ऐतिहासिक घटना की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया के लिए हिंसा का रास्ता छोड़ करके अहिंसा का रास्ता चुनने के लिए एक प्रेरणा स्थल याद बनी। महात्मा गांधी कहते थे कि अहिंसा के मार्ग पर चलकर हमें जो भी प्राप्त होता है वो सभी को स्वीकार होता है। अब अपन में अनेक सांसदों ने शांति और अहिंसा का मार्ग स्वीकार करने के साथ ही लोकतंत्र को स्वीकार किया। भारत के संविधान